2021 में मेरा पैर टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो ऑपरेशन किया था, रॉड डाली थी, उसी रॉड की वजह से चोट बढ़ती चली गई, अंदर घाव बन गया और वो ट्यूमर बन गया। फिर यहाँ आया अपोलो हॉस्पिटल के लिए, नरेंद्र सर ने देखा और बताया कि हाँ ये सही हो जाएगा। अविनाश हमारे पास एक बोन ट्यूमर लेके आए जो कैंसरस बोन ट्यूमर था, ऑस्टियोसार्कोमा करके एक बहुत ही डेंजरस जानलेवा बोन ट्यूमर होता है, वो इनका डायग्नोसिस पाया गया। फिर उसके लिए पहले कीमोथेरेपी दी गई, ये कैंसर इनका लंग्स में भी फैला हुआ था। फिर कीमो वीमो चढ़ा, लगभग 8 कीमो हुए, उसके बाद में फिर सर ने ऑपरेट किया। कीमोथेरेपी से लंग्स का कैंसर कंट्रोल में आ गया और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी सर्जरी प्लान की। हमारे पास पैसे की कमी हो रही थी तो डॉक्टर साहब ने ही रास्ता दिखाई कि देखो यहाँ पे सीएम फंड से भी इलाज होता है, ऐसा ऐसा है, तो पैसे जो कम पड़ रहे थे तो सीएम फंड से हमको यहाँ पे सहायता थोड़ी मिली 2.5 लाख रुपए की, वो हमारे बच्चे के इलाज में काम में आई। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग केस क्योंकि लखनऊ में आज तक कभी हुआ नहीं है, हमें इस बोन ट्यूमर का जिस हड्डी को इफेक्ट कर रहा है फीमर, हमें पूरी की पूरी फीमर को रिप्लेस करना पड़ा। यहाँ यूपी में तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी, उसको कोई पैर बचा ही ना पाता, लेकिन नरेंद्र सर ने बहुत ही अच्छा किया ऑपरेशन, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वास्तव में वो भगवान के ही एक रूप हैं, व्यवहार में भी, व्यक्तित्व में भी, और जो उन्होंने वास्तव में ये ऑपरेशन किया, शायद हमारे उत्तर प्रदेश में, हम पूरे गारंटी ले रहे, शायद कोई ना कर पाता इस तरीके का ऑपरेशन। बच्चा हमारा जो था बस यही चाहता था कि या तो मेरा पैर बचे या तो मेरी फिर जान बचाने की कोशिश ना करना, और मेरा सब कुछ सही हो गया, वरना सब जगह तो पैर निकालने के लिए कहा गया था। तो नरेंद्र सर ने बचाने की कोशिश की और उन्होंने पैर बचा लिया मेरा पूरा। लकीली अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अविनाश अभी चल पा रहा है, जिसकी हमें बहुत खुशी है, और होपफुली ये कैंसर हमें कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा एंड होपफुली ये कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल हैं, कोई भी हो सर, पूरे यूपी में हम कह रहे हैं सर, यहाँ से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, और नरेंद्र सर बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ का पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, जितने डॉक्टर हैं सब बहुत अच्छे हैं।